अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। प्रिय दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। साथ ही हमें ये भी ज्ञात होगा कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ पा रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट अपने बिंदु पर चलते हैं। मैं आपके साथ दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह, अर्थात कोई भी ग्रह एक साथ एक भाव में बैठकर जब कुंडली में बैठते हैं उसको कहते हैं ग्रहों की युति। मैं संपूर्ण युतियों पर लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके ग्रह आपकी कुंडली में कौन सी युति हो रही है और उसका क्या फल रहेगा। आज भी हम यही चर्चा आगे विस्तार कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम युति का फल देखें इससे पहले हमें एक चीज और भी देख लेना चाहिए जो सामान्य सभी चीजों में देखना होता है, उसको यहां पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वह ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, पाप से युत हैं, दृष्ट हैं या मित्र के साथ में हैं, यह देखना परम आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, हम लोग फटाफट चर्चा शुरू करें। यदि आप चाहते हैं तो अध्यात्म ज्योतिष पर बने रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। त्रिग्रह योग में बुध गुरु शुक्र अगर एक साथ एक स्थान पर आते हैं तो क्या उसका रिजल्ट यहाँ पर रहेगा, क्या फल यहाँ पर बनेगा। का बुध जे भृगु संयोगे शुत्र नृप पूजिता जितारिद्र दीर्घ कीर्ति सत्यवादी भवे नर। एक तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सत्यवादिता को ही महत्व देते हैं, सत्य आचरण करते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं और सुंदर देही, सुंदर इनका सोच, सुंदर इनकी आकृति और इन्हीं सब स्वभाव के कारण से राज्यमान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, जन सामान्य का इनको स्नेह और प्यार जरूर मिलता है। ऐसे लोग शत्रु को भी सहज अपने वश में कर लेते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। कीर्ति, अपने जीवन में कीर्तिमान होते हैं, कीर्ति को स्थापित कर लेते हैं, विख्यात और जैसे सत्य प्रतिज्ञा की मैंने बात की है ये इनका विशेष संकल्प होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ कहें तो ये संयोग अत्यंत शुभ है। यदि आपकी कुंडली के अंदर भी योग बन रहा है तो आप इसी से संबंधित गुण लक्षणों से संपन्न होकर भी आप अत्यधिक लाभ लेना चाहेंगे तो इन ग्रहों को आप पुष्ट करें, बलिष्ठ करें और इसका लाभ लीजिए। फिलहाल आप बने रहें, हमें दीजिए।